मेरा नाम उबैद गुलजार है और मैं टंगमर्ग से हूँ और जहाँ पे फेस्टिवल साइकिलिंग रेस थी तो मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। शुक्र अल्लाह का कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और सर मैं शुक्र गुजार हूँ आर्मी वालों का कि उन्होंने ये पार्टिसिपेट रखा यहाँ पे और मैं चाहता हूँ ये हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए ताकि बाकी बच्चों को जो है उनको भी मतलब इनमें पार्टिसिपेट करना। के अमृत महोत्सव के तहत गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं जो आज से 6 तारीख तक जारी रहेगा। सबसे पहले तो कोविड की वजह से और दूसरे कारण से पिछले 2-3 साल में यहाँ पर टूरिस्ट अराइवल काफ़ी कम था, लेकिन आज के जो अमन और चैन की हालात हैं, जो खुशहाली है, जो यहाँ पर उत्साह है जो लोगों का, एक वो देखने लायक है। पिछले 2-3 महीने में टूरिस्ट अराइवल में बढ़ोतरी आई है। आप अगर गुलमर्ग में देखेंगे तो नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड वॉरवे स्कूल मिलिट्री का, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके अलावा बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ATV, स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के माध्यम से जो कश्मीर घाटी में अभी अमन चैन का माहौल और जो उत्साह का माहौल है, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, गुलमर्ग से वाकफियत, इसकी नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और पोटेंशियल है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, और तीसरा जो हमारा यहाँ का यूथ है उसका जो लोकल टैलेंट है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो जितनी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, आपने देखा है कुछ एक्टिविटीज़ आज की गई, मेन प्रोग्राम कल होगा और परसों होगा, जिसमें जो लोकल ग्रुप्स हैं, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग,